हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड जेएस के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम लोग हमारी फर्स्ट गेट एपीआई कैसे बना सकते हैं विद द डेटाबेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं आपको, फिर डेटाबेस के कुछ एंट्रीज वगैरह देखेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक राउटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें, राउटर वगैरह क्या होता है, डीवीसी कनेक्शन वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ एक एक करके, बट ये इस वीडियो के अंदर सबका सब एक पूरा कलेक्शन बन जाएगा और आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीट एपीआई बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले एक राउटर बनाएंगे। डोंट वेरी, अगर नहीं पता तो कैसे बनता है, सब सब कुछ मैं बताऊंगा। डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे और जो टेस्ट हमारी एपीआई होगी उसको टेस्ट करेंगे हम पोस्टमैन के साथ में, ठीक है। नाउ लेट्स लुक आउट द डेटाबेस। आपको पता है कि मैं लास्ट वाली वीडियो से ही जो हमारा अल्टस डेटाबेस है इसके ऊपर ही, जो क्लाउड है मोंगो वाला, इसके ऊपर ही कनेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अटलस कहते हैं, और जो हमारा डेटाबेस का नाम था हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था वो ट्यूटोरियल था, और यूज़र्स हमारी कलेक्शन का नाम था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नई एंट्री करी थी, बट वो जो एंट्री करी थी वो हमने एपीआई से नहीं करी थी, वैसे ही हार्ड कोड करी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम और उसके डिटेल में जाएंगे और एपीआई बनाएंगे सारी सारी डेटा को फैच करके। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं जो एक्स्ट्रा कोड है उसको हटा देता हूँ जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर हमें देखा था हमने, ये था। ऑलराइट, सो ये आपको पता है कि जो हमने एक मॉडल बना रखा था लास्ट वीडियो के अंदर, ये रहा मॉडल हमारा, ये रहा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मॉडल कैसे बनाते तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बट स्टिल मैं ये वाला कोड गिटहब पे डाल दूंगा तो आप वहाँ से कोड भी ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो ये बनाने के बाद में हमारा एक कनेक्शन भी बना हुआ है मोंगो का। सो अब कनेक्शन भी बना हुआ है और मॉडल भी बना हुआ है, और डेटाबेस को फेच की एपीआई कैसे बना सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ऐप जो कि हमारा एक्सप्रेस का इंस्टेंस है, डॉट गेट। गेट क्यों करा, क्योंकि हमें एपीआई की लिस्टिंग दिखानी है और लिस्टिंग के लिए हमेशा गेट एपीआई ही यूज़ कर सकते हैं। ये अगर गेट है तो गेट एपीआई को डोनेट करता है, पुट है तो पुट को, पुट एपीआई को डोनोट करेगा, और पोस्ट है तो पोस्ट मेथड वाली एपीआई को डिनोट करेगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका पाथ दे देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली यूजर्स, ठीक है, ताकि इससे हमें समझ में आ जाएगी सारी सारी यूजर्स की लिस्ट आने वाली है। ऑलराइट, और इसके अंदर हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं। सेकेंड फंक्शन आपको पता है कॉल बैक होता है, और ये बेसिकली हमें दो पैरामीटर रिटर्न करता है, एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो लिखेंगे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ऑल राइट, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लेता हूँ वेयर डेटा। ऑल राइट, और बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर जो हमारा मॉडल सेम इंस्टेंस बना हुआ है, डॉट फाइंड। ऑल राइट, सो जैसे हम फाइंड यूज करेंगे तो उसके बाद भी हम यूज़ करेंगे, बिकॉज जो फाइंड होता है सारे सारे मेथड तो दे देगा, लेकिन जो हमें रिजल्ट देगा ये बेसिकली रिजल्ट देगा हमें एक प्रोमिस की जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देन यूज़ करेंगे, एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं चाहे तो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। राइट, डॉट देन, और आपको पता है कि जो देन होता है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन ही रिटर्न करता है। सो इसके अंदर मैं यहाँ से ले लेता हूँ डेटा जो हमारा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ रेस्प डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डेटा। ऑल राइट, सो अब मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। राइट, सो लेट्स ओपन द पोस्टमैन, और पोस्टमैन के अंदर बेसिकली अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। सो हमारा जो सर्वर है वो अच्छा, ओके, सो हमारा सर्वर भी लिसन करवाना है हमने, वो भी हमने नहीं करवाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे कहते हैं 4000। सो अब मैं बेसिकली पोस्टमैन के अंदर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट इस तरीके से, और 400 हमारा पोर्ट, उसके बाद में यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स, यूज़र्स क्यों, क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट का नाम यहाँ पे यूज़र्स रखा हुआ है। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग के अंदर टाइम ले रहा है क्योंकि ये हमने ऑनलाइन कनेक्ट करा हुआ है, हाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। सो इसके अंदर आप देखोगे बेसिकली कि रिजल्ट 200 आ गया स्टेटस, और यहाँ से हमारी गेट रिक्वेस्ट। अगर मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट करके कॉल करता हूँ तो क्या होने वाला है, तो देखिए ये एरर दे देगा कि भैया ये रिक्वेस्ट है नहीं, क्योंकि गेट मेथड बना हुआ पोस्ट के लिए बना हुआ ही नहीं है बेसिकली। ऑलराइट, इस तरीके से, और ये आ गया हमारा पूरा रिजल्ट जेसन फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉट स्टेटस भी ऐड कर सकता हूँ। डॉट स्टेटस क्या होता है, डॉट स्टेटस आपको ये बताता है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे आया। देखो जैसे कि यहाँ पे 200 आया है,
200 वैसे गेट के लिए होता है और 201 होता है क्रिएटेड, मतलब जब पोस्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर कोई नई एंट्री करते हैं ना, तो बट एक बार के लिए लगा के देख सकते हैं हम, ठीक है, कि क्या ये चेंज कर रहा है। यस ये चेंज करेगा, यहाँ पे देखिए 201 स्टेटस आ गया। इसने स्टेटस मतलब स्टेटस स्टेटस चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कुछ डेटाबेस में एंट्री कर दी है, पर स्टेटस यूज़र को ये बताता है कि ऑपरेशन परफॉर्म क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 500 ले लेता हूँ, 500 का मतलब होता है एक्चुअली एरर। ठीक है, तो क्या ये 500 भी चूज कर रहा है? सो लेट्स चेक इट आउट। काफ़ी स्लो है ये मूव। ऑलराइट, सो देखो इसने डेटा दे दिया बट इसने बोला इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटस भी देख भी भेज सकते हैं हम। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें कैच वगैरह लगाना पड़ता है, सही कुछ सही से काम नहीं होता, तो हम इस तरीके की चीज़ें स्टेटस वगैरह अपडेट करते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम एरर हैंडलिंग भी देखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक पोस्ट API कैसे बना सकते हैं, तो हमारे गेट API पोस्ट कैसे बना सकते हैं, फिर पुट डिलीट वगैरह सारे के सारे APIs देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यस, एक चीज़ और इसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमें सिंगल रिजल्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर जो आपको फील्ड निकालनी हो, ठीक है, नेम, ID इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आती ही आती है। जैसे देखो अभी तो हमारे पास चार फील्ड है ना, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो अभी देखो देखने वाले हो आप, यहाँ पे दो फील्ड आएंगी। कौन सी? एक तो आईडी तो आएगी ही आएगी, और एक दूसरा नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ ईमेल कर देता तो यहाँ पे ये बेसिकली ईमेल आ जाता, और विद आईडी ऑब्वियसली। लेट्स क्विक, राइट, इस तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।